सीएम नीतीश कुमार के जिस खास मित्र पर लालू यादव सवाल उठाते थे, जिन्हें डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सृजन घोटालेबाज कहते नहीं थकते थे, आज नीतीश कुमार ने उसी व्यक्ति के भाई को राज्य मंत्री बना दिया। महागठबंधन की सरकार में बाल श्रमिक आयोग का गठन हुआ है, लेकिन इस बार आयोग के अध्यक्ष पद की कुर्सी राजद के पास गई है, जबकि उपाध्यक्ष की कुर्सी जेडीयू के पास। आयोग में राजीव कांत मिश्रा को उपाध्यक्ष का पद सौंपा गया है। इसके साथ ही राजीव कांत मिश्रा को राज्य मंत्री का दर्जा मिला है। राजीव कांत मिश्रा को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से आयोग में उपाध्यक्ष का पद मिलना अब सवालों के घेरे में है। घेरे में इसलिए भी है क्योंकि राजीव कांत मिश्रा के भाई उदय कांत मिश्रा, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीब दोस्तों में माने जाते हैं, उन पर खुद साल 2017 में भागलपुर में सृजन घोटाला उजागर होने के बाद लालू और तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए थे, जिसको लेकर उदयकांत मिश्रा ने दोनों नेताओं के खिलाफ कानूनी नोटिस भी भेजा था। उदयकांत मिश्रा फिलहाल बिहार आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के पद पर तैनात हैं। इस प्राधिकरण के अध्यक्ष खुद मुख्यमंत्री होते हैं। सरकार ने आरजेडी समर्थक माने जाने वाले डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु को बाल श्रमिक आयोग का अध्यक्ष बनाया है। आयोग में विभिन्न श्रमिक संगठनों, विधायकों और विधान पार्षदों को सदस्य बनाया गया है। वहीं जेडीयू के नेता आनंदी मेहता को अति पिछड़ा कोटे से सदस्य बनाया गया है। गौर करने वाली बात तो यह है कि पहली बार किसी आयोग के अध्यक्ष की कुर्सी आरजेडी के जिम्मे गई है।